नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रश्मि। बिहार में समय से पहले मॉनसून ने अपना दस्तक दे दिया है और यही कारण है कि पिछले कई दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। इतना ही नहीं, कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति भी बन गई है और अब ऐसे में एक बार फिर से मौसम विभाग ने 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से ये बताया जा रहा है कि भारी बारिश होने की संभावना है और इतना ही नहीं 11 जिलों को येलो अलर्ट भी दे दिया गया है। किन जिलों में होगी भारी बारिश, इसकी पूरी जानकारी हम आपको विस्तार से देते हैं। बिहार में मॉनसून की सक्रियता में आंशिक कमी आने से अधिकतम तापमान ऊपर चढ़ा है। ज्यादातर जिलों में उमस की स्थिति बनी हुई है, वातावरण में पहले से नमी मौजूद है। ऐसे में पारे का साथ पाकर बादल उग्र हो रहे हैं। इसी कारण राज्य के 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि गुरुवार को भी तेज धूप की वजह से लोग दोपहर में परेशान रहे। हालांकि गुरुवार को भी दक्षिणी बिहार में एक दो जगहों पर बारिश की स्थिति भी बनी रही। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश भभुआ में 50 मिलीमीटर, अधवाड़ा और ठाकुरगंज में 30 मिलीमीटर, त्रिवेणी, इंद्रपुरी, चेनारी, सिसवन, चांद, मुसहरी और सरैया में 20 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इधर मौसम विज्ञान केंद्र ने सूबे के 11 जिलों में 25 और 26 जून को वज्रपात और बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। साथ ही 28 जून को उत्तर बिहार के सभी जिलों के लिए ठनका और बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। जिन जिलों के लिए 25 और 26 जून को ठनका और बारिश का अलर्ट किया गया है वे हैं सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई और खगड़िया। सीमांचल के इलाकों में इन दो दिनों में एक दो जगहों पर भारी बारिश की स्थिति बन सकती है। पिछले 24 घंटे में मॉनसून की गतिविधि में कमी आई है। पिछले 24 घंटे में दक्षिणी पश्चिमी और उनके सटे दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर बना चक्रवाती हवा का क्षेत्र अब झारखंड की ओर शिफ्ट कर गया है। इस चक्रवाती परिसंचरण से एक ट्रफ रेखा दक्षिणी पश्चिमी और इसके दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश तक फैली है। इसके प्रभाव से दक्षिणी बिहार में कुछ जगहों पर वज्रपात के साथ बारिश की पूरी आशंका है। इसके प्रभाव से गुरुवार को गया, नवादा, कैमूर, रोहतास, अरवल और नवादा में मेघ गर्जन और वज्रपात का तत्कालिक अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो मौसम विभाग की तरफ से 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, वज्रपात की स्थिति भी बन रही है। कई जिलों में ठनका गिरने की भी संभावना जताई गई है। ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि इस मौसम में आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि आप घर में रहें और खुद को सुरक्षित रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।